बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग और उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की अहम और बड़ी बैठक। सीएमआर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम भजन लाल शर्मा, साथ ही डिप्टी सीएम, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य केंद्रीय मंत्री, साथ ही कोर कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल हैं और उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन, साथ ही प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनेगा। कोर कमेटी की सहमति के बाद ये केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और प्रत्याशियों के नामों का पैनल आज बनेगा। तो मंथन लगातार हो रहा है सीएमआर में उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक। तमाम दिग्गज मौजूद हैं प्रदेश बीजेपी के, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, सीएम और साथ ही पूर्व सीएम भी मौजूद हैं और लगातार प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की ओर से दौरे किए गए थे प्रदेश के इन 7 उपचुनाव वाली जगहों के और उसके बाद फीडबैक लिया गया, उस फीडबैक को आगे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया गया और आज अब ये अहम बैठक उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग, सीएमआर में मीटिंग चल रही है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं, सह प्रभारी विजय राहटकर मौजूद हैं। तो उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन लगातार जारी है। कोर कमेटी की सहमति के बाद केंद्रीय नेतृत्व को प्रत्याशियों के नाम का पैनल भेजा जाएगा और इसी बीच जो टिकट के दावेदार हैं उनकी भी खूब भागदौड़ रही है। और फिलहाल उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हो रहा है। सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद हैं, प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद हैं। राजस्थान उपचुनाव को लेकर आज रात दिल्ली में भी बड़ी बैठक है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा और दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहेंगे। 7 सीट पर होने वाले चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, क्योंकि आज जयपुर में भी बड़ी बैठक चल रही है जिसमें जो नाम है उनका पैनल बनेगा, उसे आगे पहुंचाया जाएगा, पूरा फीडबैक दिया जाएगा और राजस्थान उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक है। और दिल्ली में ही यूपी बीजेपी की भी आज बड़ी बैठक है, उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे। तो उपचुनाव की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी है, ऐसे में यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, उसके लिए भी आज बड़ी बैठक है, मीटिंग है और प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भी आज मीटिंग है, बड़ी बैठक दिल्ली में। और सीएम भजन लाल शर्मा का गुजरात दौरा, आज दोपहर में जयपुर से सूरत एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन प्रोग्राम पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में कार्यक्रम, साथ ही शाम को सूरत एयरपोर्ट से नई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और रात को 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा उपचुनाव को लेकर होने वाली बड़ी बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और प्रदेश बीजेपी के भी कई दिग्गज मौजूद रहेंगे।
और अब जयपुर से खबर, जहां आरटीओ जयपुर सेकंड की जोरदार छापामार कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के भनक लगते ही ओवरलोड और अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने डीपीओ संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की। दिल्ली रोड, चंदवाजी और आसपास के इलाकों में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई हुई। टीम ने 15 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। सड़क सुरक्षा की दिशा में कड़ा कदम उठाया। और अब जयपुर के चौमू से बड़ी खबर, जहां NH-52 पर तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर कैंपर पलट गई। कैंपर पलटने से आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए और 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाड़ी पलटने से गाड़ी के टायर खुलकर अलग हो गए। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बड़ी खबर। और अब जयपुर के बस्ती से खबर, जहां बंदूक की नोक पर दुकानदार से सोने चांदी की लूट हुई है। 50 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी की लूट बताई जा रही है। अभी तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बंदूक की नोक पर दुकानदार से सोने चांदी की लूट हुई है। 50 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी की लूट बताई जा रही है। अभी तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर हैं। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। बंदूक की नोक पर दुकानदार से सोने और चांदी की लूट हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 50 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी की ये लूट बताई जा रही है। जयपुर के बस्सी से खबर। बंदूक की नोक पर दुकानदार से सोने चांदी की लूट, 50 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी की लूट बताई जा रही है। पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर हैं। 50 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी की ये लूट बताई जा रही है। जयपुर के बस्सी से खबर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी महेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ पूरी जानकारी दुकानदार की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? जी बिल्कुल, बता दूं कल देर शाम का यह पूरा मामला है। बंदूक की नोक पर दुकानदार मालिक से सोने चांदी के लूट की वारदात का मामला है। 3 युवकों ने बाइक सवार आकर 3 युवकों ने 50 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर लूट कर फरार हो गए। मौके पर कानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ACP विनय कुमार के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस ने एक श्रेणी की नाकाबंदी कराई। उसके बावजूद भी फिलहाल पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है और व्यापारियों में काफी रोष व्याप्त है। इस तरह की वारदात में आसपास में भय का माहौल बना हुआ है। कानपुर थाना क्षेत्र के नायला की यह पूरी घटना है। जी, आसपास की CCTV फुटेज वगैरह कुछ चेक किए गए, पुलिस क्या कुछ कह रही है, अब कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जी, CCTV फुटेज में साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पकड़ में जल्द ही आ जाएंगे। पुलिस पूरी तरह लगी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया बहुत आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब टॉक के उनियारा से खबर, जहां सरकारी रोडवेज बस विद्युत पोल से टकरा गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। बस में मौजूद सवारियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि टक्कर लगने से विद्युत तार टूट गए। बस टकराने से सप्लाई अचानक बंद हो गई। बस में मौजूद सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। रोडवेज बस विद्युत पोल से टकराई और जैसे ही बस टकराई तो बिजली सप्लाई अचानक बंद हो गई। ये गनीमत रही, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था।
टक्कर लगने के कारण जो बिजली के तार थे वो टूट गए। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर विजयदशमी के अवसर पर नगर परिषद ने 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात रावण दहन के बाद दशहरा मैदान पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। कृषि मंत्री की मौजूदगी में देश और प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए कवियों ने वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, साथ ही प्रेम रस से जुड़ी कविताएं सुनाई। राष्ट्रीयता की, राष्ट्रभक्ति की कविताएं भी हैं और श्रृंगार रस यहाँ पर है, हास्य रस भी हमने देखा है। आज सारा रस देखते देखते कहीं लग भी नहीं रहा था कि इंद्र महाराज का भी रस टपक जाएगा। इसलिए कर दी कि हमारे कवियों के मुंह से यहाँ पर अमृत बरस रहा था। अब की बार मेरे को इस धरती का आशीर्वाद है, गणेश जी की का, अटीले हमवीर की धरती का, कि मैं जब जब यहाँ पर चुनाव लड़ा और जब जब इन्होंने जिताया तब तब मेरे को राजतिलक हुआ। जोधपुर से खबर, जहां तनावड़ा स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया और फायर ऑफिसर प्रशांत सिंह के नेतृत्व में टीम ने आग पर काबू पाया। मोबाइल पुलिस की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। दमकल कर्मियों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। तनावड़ा स्थित हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में ये आग लगी। जोधपुर के सर्किट हाउस में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जनसुनवाई की और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलों के रिव्यू कमेटी के निर्णय को लेकर कहा कि जिलों को लेकर जल्द ही निर्णय होगा और इसमें जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। जहां तक कुछ जिलों के विरोध प्रदर्शन की बात है तो जो जिले सही मापदंडों के आधार पर बने हैं उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। की घोषणा हमारे चुनाव आयोग का काम है। जहाँ तक कुछ जिलों में विरोध प्रदर्शन नाराजगी का प्रश्न है, मैंने पहले भी आपसे मार्फत निवेदन किया है, जो जिले हमारे नॉर्म्स के अनुसार बने हैं उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, और जो हमारे जिले नॉर्म्स के अनुसार नहीं बनाए राजनीतिक लाभ या जल्दबाजी में बिना धरातल को ढूंढे या जो हमारे नियम है उनको ढूंढे बने हैं उनमें जरूर कहीं ना कहीं मन के अंदर शंका है, और इसीलिए वो उस शंका को जिक्र करने के लिए अपनी मन के अंदर जो वहम है, अपने मन के अंदर जो डर है और उनको पता है कि हमने कोई ना कोई गलत काम किया है, उसकी वजह से वो आम जन की प्रताड़ना से बचने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। मेरा उनसे पुनः निवेदन है कि आइए बैठिए, नॉर्म्स में जो जिले हैं वो सही है, नॉर्म्स में नहीं है उनकी समीक्षा हो रही है और पारदर्शिता से बिना भेदभाव के सरकार इस संबंध में निर्णय करे। और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, आज रात 8:30 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब महाराष्ट्र सीएम ने ऐलान किया है कि आज रात 8:30 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को अंतिम विदाई दी जाएगी, रात 8:30 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा।
हरियाणा दिल्ली यूपी पुलिस के संपर्क में मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली उज्जैन हरियाणा रवाना। लॉरेंस एंगल की जांच के लिए मुंबई पुलिस की टीम रवाना। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। शूटर्स की हिस्ट्री खंगालने में मुंबई क्राइम ब्रांच जुटी है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। शूटर्स की हिस्ट्री खंगालने में मुंबई क्राइम ब्रांच जुटी है। बड़ी खबर, हरियाणा दिल्ली यूपी पुलिस के संपर्क में मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली उज्जैन हरियाणा रवाना। लॉरेंस एंगल की जांच के लिए मुंबई पुलिस की टीम रवाना है और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। बड़ी खबर, और अब खाजूवाला से बड़ी खबर, जहां बॉर्डर क्षेत्र में हेरोइन पकड़ी गई और उस मामले में अपडेट आपको बता दें, छतरगढ़ पुलिस की पूछताछ में 6 आरोपियों का खुलासा। 2 अक्टूबर को पकड़े गए थे तस्कर, लेकिन 25 सितंबर को 2 किलो हेरोइन की तस्करी कर चुके थे। बॉर्डर से 2 बार डिलीवरी ली। पंजाब का हार्डकोर तस्कर अमन था, साथ ही पाकिस्तानी तस्कर अहमद के संपर्क में। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए। 3 आरोपियों को जेल भेजा गया है, 3 को छतरगढ़ पुलिस ने फिर से रिमांड पर लिया है। 2 अक्टूबर को 43 केजेडी खाजूवाला के पास 2 किलो हेरोइन मिली थी और उसके बाद से जांच पड़ताल लगातार जारी थी। पूछताछ हुई तस्करों से, फिर 6 आरोपियों का खुलासा हुआ। पुलिस रिमांड के दौरान खुलासे हुए। तीन आरोपियों को जेल भेजा गया है और 3 को छतरगढ़ पुलिस ने फिर से रिमांड पर लिया है। और अब अजमेर के किशनगढ़ से खबर, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय फिर से विवादों में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मेस के खाने में छिपकली की पूंछ निकली। खाने की गुणवत्ता को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले भी विवाद हो चुका है। सोशल मीडिया पर छिपकली की पूंछ खाने के अंदर मिलने का वीडियो वायरल हुआ है और CUR की मेस में खाने की बिगड़ी गुणवत्ता को लेकर विद्यार्थियों में रोष है। CUR की चीफ वार्डन रजिस्ट्रार को विद्यार्थियों ने मेल कर मेस के खाने में छिपकली की पूंछ होने की जानकारी दी है। खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में विवाद हो चुका है। अजमेर के किशनगढ़ से एक खबर, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। मेस के खाने में छिपकली की पूंछ मिली। फिर से एक बार राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय विवादों में। खाने की गुणवत्ता को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले भी विवाद हो चुका है और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ देखा जा सकता है मेस के खाने में छिपकली की पूंछ और इससे विद्यार्थियों में काफी रोष है। विद्यार्थियों ने चीफ वार्डन रजिस्ट्रार को मेल कर ये पूरी जानकारी दी है।